नमस्कार दोस्तों, मैं अपना बाइक को फिर से लेकर आया हूँ। मतलब इसमें कुछ और कुछ करना है उसमें। जैसे मैंने आज इसको मंगाया है ऑनलाइन प्रोडक्ट, ये LUJAJG, ये इसका फॉग लाइट है। फॉग लाइट का इसका जो ब्रांड है ये अलग है, और ये वाला मैंने मंगाया, ठीक है, ये वाला। तो चलिए इसको मंगाया, खोलते हैं, खोल कर दिखाता हूँ मैं। इसके साथ आपको पहले ही मिल जाएगा, पहले क्या निकल रहा है, ये आपका देखिए AGG ब्रांड है, और ये देखने में भी बहुत कूल है, छोटा सा है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलता है, एक इसको माउंट करने वाला एक क्लैंप और कुछ नट बोल्ट वगैरह। तो अपना इसको लगाने के लिए भाजा भाजा खोलना पड़ेगा। खोलते हैं और फिटिंग करते हैं और सीधा दिखाते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो फॉग लाइट को मैंने लगा दिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जगह पे मैंने माउंट किया है। माउंट करने का तरीका मेरा नंबर प्लेट के ऊपर है, ठीक है, साइड से भी देख सकते हैं। मतलब ये थोड़ा डिफरेंट जगह है कि लेकिन अच्छा आएगा। और एक मेरे को चीज़ लगाना है, ये है इसका फेंडर। फेंडर मतलब इसका जो मीटर मार्क्स है, ये मीटर मार्क्स का ये जो मीटर मार्क्स है इसको चेंज मुझे करना है। ये फटा नहीं है, टूटा नहीं है, लेकिन कलर फेड हो गया बोल के इसको मैंने लगाऊंगा, ठीक है। ये होंडा का ओरिजिनल प्रोडक्ट है, आप इसका आईडी वाईडी पूरा देख सकते हैं। तो चलिए हेडलाइट खोलते हैं, खोलने के बाद पूरा कनेक्शन करते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपको वीडियो दोबारा दिखाऊंगा इसमें डिटेलिंग, अगर नहीं तो मैं पूरा फिट करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि इसका कनेक्शन हो गया है, पहले मैं दिखा देता हूँ इसका इसका फेंडर मैंने चेंज कर दिया है। फेंडर चेंज करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, और यहाँ पे एक स्क्रू रहता है। इसको इस खोलने से ही फेंडर पूरा चेंज हो जाएगा, मीटर मार्क्स, ठीक है। अभी इसमें आते हैं वायर में, ये देखिए दोनों रेड वायर है, ये दोनों रेड वायर एक साइड का स्विच में ही गया, मेरा ये स्विच पे गया, और इसका नेगेटिव गया यहाँ पे, इसका देखो नेगेटिव वाला वायर गया अर्थिंग पे, ठीक है, और येलो वाला गया दूसरा स्विच पे। और इस स्विच का एक पॉइंट है सीधा जाएगा इग्निशन पे, और इस स्विच का भी एक पॉइंट है इग्निशन पे। तो मतलब कनेक्शन पूरा रेडी। अगर कनेक्शन नहीं समझ में आया तो मेरा दूसरा वीडियो भी है बहुत सारे इसके बारे में, आप देख सकते हैं, देख के आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसका मीटर मीटर पूरा बॉक्स क्लोज करते हैं, और क्लोज करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो जैसे कि मीटर मार्क्स हमने चेंज कर दिया, ये मीटर मार्क्स मेरा नया है, आप पुराना वाला मीटर मार्क्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पुराना वाला मीटर मार्क्स, आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। इसका तो होंडा का लोगो भी ख़त्म हो गया था, इसका होंडा का लोगो भी आ गया, लुक भी नया नया आ गया, ये वाला तो ख़त्म हो गया था पूरा। तो अभी लाइट का बारी है, लाइट को देखते हैं, पहले लुक देख लेते हैं लाइट का। ये है लाइट का लुक, थोड़ा नीचे करके मैं दिखाता हूँ, ऐसा है। अगर ऐसा करके दिखाएंगे, मतलब एक 5'6" या 5'7" आदमी का हाइट से देखेंगे तो इतना ऐसा दिखता है। ये है साइड साइड लुक आपका, ऐसा है। मैंने इसको हेडलाइट के बराबर में इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये लाइट चुभता नहीं है आँखों में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये दूसरा साइड है, ऐसे साइड में देखेंगे। तो अभी इसको चला के देखते हैं, इसमें मैं थोड़ा ढीला छोड़ा हूँ क्योंकि इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। अभी देखिए ये है लाइट, काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि लुकिंग इसका बढ़िया है। और लाइट दिखाता हूँ, देखिए लाइट ऐसा है। ये थोड़ा जो कर रहा है, ये मेरा स्विच का प्रॉब्लम है, ये स्विच का प्रॉब्लम है। अभी व्हाइट लाइट को देखते हैं, ये वाला व्हाइट लाइट काफ़ी कूल लग रहा है, और साइड से भी अच्छा है। इसका असली टेस्ट होगा मेन रोड पे, जहाँ पे इसको परफॉर्मेंस देना है, वहाँ पे देखेंगे इसका क्या लुक आ रहा है, क्या ब्राइटनेस है, वहीं पे जाके टेस्ट करते हैं। तो चलिए थोड़ा अंधेरा होने दीजिए, मिलते हैं अंधेरे के बाद, और सीधा हाईवे पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आ गया हूँ हाईवे पे, मतलब इसमें GT रोड बोलते हैं इसको, तो चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं इसका लाइट का। तो पहले लगाते हैं इसको, ये येलो वाला है, उसमें टेस्ट करते हैं।
देखिए मैं अगर बैठ जाता हूँ तो अच्छा लगेगा। देखिए स्विच का मेरा प्रॉब्लम है, पहले ही बता चुका हूँ, इसका निगरा को बंद कर देते हैं। देखिए ये येलो वाला है जो अभी एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट हम कर सकते हैं, मतलब ऐसे थोड़ा उठा के हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करेंगे तो और मज़ा आएगा। देखिए और इसको दोनों को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया, तो ये येलो वाला अभी ट्राई करते हैं, अभी ट्राई करते हैं जो वाइट वाला कैसा है इसका रिव्यू देखते हैं। ठीक है, वाइट वाला तो काफ़ी धूप फैल रहा है, वाइट को थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ऐसा रहेगा। ठीक है, अभी साथ में मैं इसको एडजस्ट भी कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा और नीचे जाएगा, हाँ थोड़ा सा और ये रहेगा। ठीक, अभी इसका फोकस तो बहुत बढ़िया है, और हाईवे पे देखिए मेरा जो मेन लाइट है, मेन लाइट को बंद कर दिया। अभी देखिए मेन लाइट इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ, ये कितना तेज लाइट रोशनी दे रहा है। ठीक है, तो लाइट काफ़ी अच्छा है, और एक बार सामने से भी देख लेते हैं, अगर दोनों एक साथ जला देंगे तो येलो वाइट दोनों जलेगा। एक बार सामने से भी देख लेते हैं, सामने से इसका रोशनी भी बहुत बढ़िया है। एक बार येलो को करते हैं, देखिए येलो लाइट भी बहुत बढ़िया है। कुल मिला के लाइट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और लाइट भी बढ़िया है। लाइट आप लोग चाहिए तो ऐसा लाइट ले सकते हैं, लाइट का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है, दमदार है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।